धनो वाहिगुरु जीओ। हरे नमस्ते, हरे नमः। हर हर करत नहीं दुख जमहा। हरे नमस्ते, हरे नमः। हर हर करत नहीं दुख जमहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन दरबार दियां हाजरियां भर रही गुरु सवारी साध संगत जीओ। सतगुरु जी ने अपार मेहर बख्शिश कीती है, सत संगत रूप विच गुरु दरबार विच सज के गुरु महाराज की पावन बाणी नाल पाठ कीर्तन दे रूप विच सांझ बना के आप जी जीवन दियां ना घड़ियां नूं गुरबाणी नाल जुड़ के सफलियां ते सार्थक कर रहे हो। कल दे दीवान विच भगत नामदेव साहब जी का उचारण किया होया पावन शब्द जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंक नंबर 874 उपर राग मूंड दे विच दर्ज है, जिस दी आपां विचार की आरंभता कीती सी, समय की सीमा हद करके आपां शब्द दे केवल दो बंद ही विचारे सन। सतगुरु की मेहर दे पात्र बन के आपां यतन करते हैं इस पावन शब्द नूं मुकम्मल रूप विच संपूर्ण रूप विच विचारण दा, संखेप जिहा शब्द दा भाव समझ लईए तां कि भगत जी दा पावन उपदेश सानूं सौखियां समझ विच आ जाए। शब्द दा रहाउ दा बंद है जिस विच भगत जी ने फरमाया है, मेरी उस हरी परमेशर नूं सिरजनहार अकाल पुरख नूं नमस्कार है, जिहड़ा भी उस मालक परमेशर दी याद विच जुड़दा है, आत्मक मौत लियाउण वाले विशे विकार अते मंदे आचरण तों अते उस दे दुखां तों उभर जांदा है, बच जांदा है। नाल ही भगत जी ने फरमाया, जिहड़े जीव उस मालक दा चिंतन करदे हन उन्हां दे अंदरों दुई द्वैत दे सारे भरम खत्म हो जांदे हन। वह अपने आप नूं परमेशर दी हस्ती तों वक्खरे मन के होमै ते हंकार दे शिकार नहीं हुंदे, बल्कि अपने आप नूं उहदी सिरजणा दा इक हिस्सा मन के अपने वजूद नूं उहदी बख्शिश उहदी किरपा समझदे हन। यही सब तों उत्तम फर्ज और धर्म है, परमेशर दे गुणां दा चिंतन करना। जिहड़े जीव हरी अकाल पुरख वाहिगुरु दे गुणां दा चिंतन और अभ्यास करदे हन उन्हां नूं किसे भी किस्म दी होमै, भावें उह कुल दी होवे भावें उह जात दी होवे, उह नहीं रहिंदी। परमेशर वाहिगुरु दा नाम ऐसे जीवां वास्ते जिवें अन्ने नूं डंगोरी दा सहारा मिल जांदा है, इवें उन्हां वास्ते वाहिगुरु दा नाम होमै तो बचण लई एक सहारा है, एक आसरा है। इस तों अगे जो दूसरा बंद है जिस दी आपां विचार अधवाटे छड्डी सी, हर हर नाक्ष हरे प्राण अजय मल कीओ बैकुंठ है थान। अजामल दी कथा पुराणा विच इउं दर्ज है, एक बड़ा ही सुलझया होया विद्यार्थी है अजय मल। अजामल पापी जग जाने निमक माहे निस्तारा।
अपने उस्ताद दे कोलों विद्या पढ़न वास्ते जांदा सी। धर्म ग्रंथां दी विद्या दा अभ्यास करदा सी। उस दे उस्ताद ने पंडित ने जिहड़ा इस नूं पढ़ाया करदा उस महात्मा ने इस नूं कहा उचेचे रूप विच कि तू किस रस्ते तो अपने घर आना है जां जाना है। एक रस्ता ऐसा है जिथे वेशवावां दा प्रभाव है, उस राय तू ना आना है ना जाना है, अपना रास्ता तब्दील करके तुरना है। पर अजामल उम्र दे इस पड़ाव उत्ते सी, उसने उही रस्ता चुनिया जिस तो उस दे उस्ताद ने उस दे महात्मा ने उसनु मनाई की थी। मनुख दी बिरती विच ये गल बड़ी प्रभावशाली है, जिस चीज़ तो इसनु रोकण दा यतन किया जाएगा उस प्रति यदि इस दी उत्सुकता हदों वध वध जाएगी, क्योंकि उस चीज़ दे प्रभाव तो मनुख जाणू नहीं हुंदा। इस दे अंदर सदा ही एक हसरत रही है कि मैनू इस तरह क्यों कहा गया है, की कारण होएगा इह कहण दा। जदों मनुख दे अंदर किसी गल दे उत्ते यकीन पूर्ण ना होवे, मन उस गल दे यकीन विच बज्जा ना होवे, तां मनुख कई वार उही कर्म करदा है जिस तों इस नूं रोकण दा यतन कीता जाए। इके कारण करके ही रोक सकदा है, इस दा यकीन अटल होवे, भरोसा ते विश्वास पक्का होवे, ते मनुख दूजे पासे जिस पासे वल रोकिया गया उधर नूं तुरे ही ना। इस दे मन अंदर ये क्यों दा प्रभाव कि मैं इस पासे क्यों नहीं जा सकता, इथों जीवन दी थिड़कन शुरू होई, जीवन दा पैंडा जिहड़ा है वह कुराहे वल वध गया। एक वेशवा दे प्रभाव विच आ के उस दे नाल रहना शुरू कीता, उस नाल ही अपना जीवन जिहड़ा सी आउण वाला वह बतीत करना शुरू कीता। विद्या छुट गई, जीवन दे जिस मुकाम ते इसका उस्ताद महात्मा इसनों पहुँचाउणा चाहुंदा सी वह किते दा किते वह सुपना अधूरा रह गया। इस दे घर बच्चे पैदा होए और एक महात्मा ने इसनों कहा भी तू अपने बच्चे का नाम नारायण रखना है, सब तो छोटे का। इस दी कथा जो पुराणा च मैं उसका उल्लेख कर रहा हाँ, सतगुरु ने इसनों हवाला मात्र वरत्या है। आखदे ने आखरी साह समय सब तो छोटे पुत्र नाल मोह ते प्रेम ज्यादा होण करके उसनु याद करदा है नारायण नारायण कह के, ते इवें इस दे पाप कटे जांदे ने, इसका निस्तारा हो जाता। पुराणा दी इस कथा नूं भगत जी ने इस जगह दे उत्ते हवाला मात्र इस लई वरत्या है कि जरा कि इस कथा दा सारंश वेखो। कथा सिरजण वाले ने ओड़क नूं जाके नतीजा की कढ़िया है। ओड़क नूं उसदा नतीजा यह है कि परमेशर दी याद तो बिना मनुख दे पाप कटे ही नहीं जा सकते, ते उस दी सुरत दे उत्तों विकारां दी मैल लेंदी ही नहीं। तो भगत जी आखदे ने हे भाई, सदियों तो आपां इह कथा सुन रहे हाँ, इह कथा पढ़ रहे हाँ, कि दो गल्लां साडे अंदर इस कथा दे विचों जो सुनेहा है वह साडे अंदर टिकिया है, कि असीं नेक पुरखां दे बचन उत्ते अटल यकीन कर सके हाँ, चंगी गल उत्ते यकीन करना असी शुरू कर दिता है। अजा मन लो चंगी गल उत्ते यकीन नहीं सी, इस करके वह थिड़क गया। जिसनों भी सुलझी हुई भली गल उत्ते यकीन नहीं आएगा, विश्वास नहीं आएगा, वह उल्ट रुख चलेगा, वह हमेशा गलत दिशा वल जाएगा। तो दूजी बात, तुहाडे जीवन दे अंदर आए हुए विकारां दे प्रभाव नूं, साडी जिंदगी दी थिड़कण नूं, साडे अंदर जमा हुए पाप और भैड़ नूं ऐब नूं इको ही चीज़ मुका सकती है, वह परमेश्वर वाहिगुरु की याद। इस वास्ते भगत नामदेव साहब कहिंदे अजय मल कियो बैकुंठ है थान। ओड़क नूं कथा मुताबक अजा मल दा बैकुंठ विच वासा हो गया, उसदे पाप कटे गए, पर किवें ई प्रश्न है। कटे गए हन वाहिगुरु अकाल पुरख की याद विच जुड़ के। भगत जी आखदे ने कि ऐसा यतन सानू अपने जीवन च नहीं करना चाहिए,
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਆ ਪੜਾਵਤ ਗਨਕਾ ਤਰੀ ਸੋਹਰ ਨੈਨੋ ਕੀ ਪੂਤਰੀ। ਗਨਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਿਆਵ੍ਰਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਨਾਹੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬਖਤ ਆਦਮੀ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨੇਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 'ਤੇ ਗਿਲਾਨੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਭਰ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਦਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗਿਲਾਨੀ ਆ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਗਿਲਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਪ ਨਾਲ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਭੈੜੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਸਾਫ਼ ਬੋਲੀ 'ਚ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨਾ ਆਖਿਆ, ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਆਖਿਆ, ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਚੀਨਣਾ ਆਖਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਮਿਟੈ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਖਾਈ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਨੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਤੁਰੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬਦਲਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਦਮ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਜਣ ਦੀ, ਭੂਮੀਏ, ਚੋਰ ਦੀ, ਹੋਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਭੂਮੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਚੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਲੁੱਟਣਾ ਖੋਹਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੇ ਦਾਨੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਝ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਤੋਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਪੰਛੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ,
तूं भी सीख सकदी आ। उस नूं सिखाउंदिआं सिखाउंदिआं पढ़ाउंदिआं पढ़ाउंदिआं रब रब याद कराउंदिआं खुद का समा जिहड़ा सी ओह चंगे पासे लग गया, खुद की बिरती बदलनी शुरू हो गई। जिस राह ते उहने कदे पैर नहीं सी धरिया उस राह का इलम होना शुरू हो गया ते पाप मुक गए, पाप तो मुक्ति का दरवाजा खुल गया। किस चीज़ करके खुलिया? अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके, चंगे पासे का ख्याल ते ध्यान करके। यही इको एक मार्ग है जिस उत्ते पैर धर के मनुख पाप दे नरक विचों बाहर आ सकदा, जिथे मनुख दे पापां तो मुक्ति का दरवाजा खुल सकदा, होर कोई रस्ता नहीं है। इस वास्ते भगत जी ने यह भी उदाहरण दिती, इसलिए फरमाया कहिंदे सो हर नैनो की पूतरी, साडियां अखां दी सेफ्टी कह लो जां शरीर दा हिस्सा भी है अखां दीआं पुतलियां जड़ियां साडे अख दे साडे नेत्रां दे सब तो सॉफ्ट हिस्से नूं सब तो कीमती अंग नूं ढक के रखदियां, प्रोटैक्शन दिंदियां ने, सेफ्टी दिंदियां ने, सुरक्षा प्रदान करदियां ने। भगत जी कहिंदे ने वाहिगुरु परमेश्वर जिहड़ा है वह तुहाडी आत्मक जिंदगी का राखा बन जाता है, जिवें अख की पुतली अख की राखी करती, वो तुहाडा सहायक हो जाता है, वो तुहाडा मददगार हो जाता है। वैसे भी एक मनोविज्ञान का नुकता है, किसी मंदे कर्म तो बचण लई जे तुसी कुछ चंगा सुनते हो, चंगा पढ़ते हो, चंगा सोचते हो, चंगे पासे का थोड़ा बहुत अभ्यास रखते हो तो वह चीज़ तुहाड़ी मददगार होंगी, तुहाड़ी उवें ही बांह फड़दी है जिवें तुसी डिगण लगो तो नाल जांदा बंदा तुहानू अचानक बोझ लै, तुहानू डिगणों बचा लै, तुहाडा हाथ फड़ लै। उस तरह ही साडे अंदर की चंग्याई का किते थोड़ा बहुता जिन्ना भी अंश हुंदा है वह अपना पूरा तान ला दिंदा भी बंदा किसी नैगेटिव वे दे उत्ते तुर ना पवे। तुसी कई बार वेखना जेड़ा असी माड़ा कर्म किते भी माड़ी गल पहली बार करन लगी किन्नी झिझक आउंदी, क्यों आउंदी है जरा सोचो। ज्यों ज्यों तुसी दो बार तीन बार करोगे झिझक घटदी जाए, फिर भी तुहानू कई बार महसूस हुंदा रहेगा भी कम ते ठीक नहीं। वो किहड़ी चीज़ है जिहड़ी सानू अंदरों आवाज़ दिंदी है? साढ़े चंगे संस्कार, साढ़े अंदर जिहड़ा चंग्याई का मादा बचिया हुंदा, वो नहीं चाहुंदा हुंदा भी बंदा इस मार्ग दे उत्ते चले, साड़ी बणतर विच हुंदी वह चीज़। तो ज्यों ज्यों असीं उहदे तो दूर हटते जाइए हौली हौली आवाज खत्म हुंदी जाती है। एक पल ऐसा भी आउंदा जदों आवाज सुनने ही हट जाती। उसे नूं हजूर ने कहा है अन्ना बोड़ा, इहनूं ना विखाई देगा ना सुनाई देगा। तो अगले बंद विच फरमाउंदे हन हर हर करत पूतना तरी बाल घातनी कपटै परी। ये भी एक ऐसा करैक्टर है जदों आप जी भागवत कथा नूं कदे उस ग्रंथ नूं वेखो उहदे विचों इह हवाला है। कृष्ण जी नूं बचपन दे विच खत्म करन वास्ते उसदे मामे कंस ने, क्योंकि उस नूं किसे ने कहा सी भी तेरे पाप करके तेरा अंत तेरे घर चों ही उठ के तेरा भाणजा ही कर सकदा, उसने वासुदेव दे कई बच्चे मरवाए, ये किसे तरह बच गया। और इस दे बचन करके जदों उन्हूं खबर होई भी ये तां बच गया तो ये मेरा काल बन सकता है, मेरी मौत का कारण बन सकता है। होया इउं भी उसने एक दाई नूं भेजिया जिहड़ी बच्चे नूं खिडाउंदी है दुध पिआउंदी है, उसनों लालच दिता भी तू कृष्ण नूं मारना है। उसने अपनी छाती नूं जहर ला के बच्चे नूं दुध चंघाउणा चाहिया, पर तेज तरार बुद्ध बच्चे ने उस पूतना नामी औरत दाई जड़ी सी उसदे प्राण हर लै, प्राण खिंच लै। हुण तुसीं वेखो इहदा मतलब है दौलत स्वार्थ और इन्हां चीज़ां दी खातर एक औरत जिस दे अंदर ममता ते मासूमियत होनी चाहीदी है बच्चे लई, वह बाल घातनी कपटै भरी, कपट नाल अंदर कपट रख के अंदर खोट रख के एक छोटे जे मासूम बच्चे नूं मारन वास्ते तैयार हो गए। उस दा एक कपट उसकी मौत का कारण बनिया, जिल्लत का कारण बनिया, सदियां तलक
उस नूं दुनिया ने लानत पाई और एक ऐसा बेंबे कैसा करैक्टर बन गया, ये बड़ा बुरा करैक्टर है। बाल कातनी कपटै परी। फिर अगे लिखते हैं, सिमरन द्रोपद सुत उदरी गौतम सती सिला निस्तरी। सिमरन का मतलब है स्मरण करन नाल, चेता करन नाल। द्रोपद द्रुप्त राजे राजे की धी जिन्हों पंचाली भी लिखा है। द्रोपद सुत उधरी, उसका भी उधार हो गया। सुता का मतलब, सुत का मतलब सुता बची धी, उधरी का मतलब है उसका उधार होया। जिसनों कौरवान ने बेइज्जत करन दा यतन किया परी सभा दे विच। मैनु इस कथा तो कई किस्म दीयां हैरानियां भी उपजदियां ने। पांडवां ने ते कौरवां ने आपस में रल के जुआ खेडिया, शराब पी रहे सन ते जुआ खेड रहे सन। जुआ खेडदियां खेडदियां जुए चों हर चीज दा ते लाई, पैसा लाया, घर लाया, महल लाया, प्रॉपर्टी लाई। शराबी सन सारे ही सिरे दे ते जुआ खेड रहे सन। जिस वेले हर चीज दा दे विच ला के हार दे गए, एडे जलील निकले भी अपनी औरत भी उन्होंने दा ते लाई भी इहदा भी दा खेड दिता। हुण तुसीं अंदाजा ला के वेखो, इथों खतरा जिस वेले रौला जिस वेले वध गया तां प्राणी कई होई एक गल दा जिहड़ी उसने दुर्योधन नूं कही सी, तूं अन्ने दा अन्ना ही रहेगा। वह गल का वो अंदर एक ऐसा सूल कंडा चुभदा रहा भी उसने उस गल का बदला लैण लई उसनू वस्त्रहीन जलील करना शुरू किया परी सभा च। ते पांडवां चों कोई योद्धा ना उठिया जिहड़ा उसकी इज्जत की राखी कर सके। यह भी एक कथा है। तो हैरानी यह है भी उन्हां पांडवां दे रथवाई सन कृष्ण जी महाराज ते कुरुक्षेत्र के जंग विच एक तबाही सिरजी गई, एक वड्डी जंग होई जिस विच खौरे किन्ने लोग मरे होणगे। ते लड़ाई दा बेसिक कारण की सी? कौरवां ते पांडवां दा आपसी निजी टकरा ते एक ऐसी घटना जिहड़ी जुआ खेडदिआं होइआं उत्थे वापरी सी। जे मन्निआ जाए ते दोषी दोवें धिरां ही सन, दोवें ही जुए दे चौपड़ ते बैठियां सन, दोवें ही शराबी सन। दा वी उहनां ने इक दूजे की मर्जी नाल ही लाया ते इत्थों तक गल पहुँच गई। पर इहनूं खौरे किस अंदाज नाल कहा भी इह धर्म की लड़ाई है? यह कहा गया भी पांडव जिहड़े हन उह खरे हन ते धर्मी हन, ते कौरव जिहड़े हन उह पापी हन। वैसे भी दुनिया का दस्तूर है, जिहड़ी तिर हार जाए उह भावें खरी भी होवे ते भावें इन्नी गलत भी ना होवे, उह दुनिया की नज़र दे विच झूठी मन्नी जांदी है। जिहड़ी तिर जित जांदी उह फिर अपनी गल कहण वास्ते उहदे कोल प्लेटफार्म हुंदा है, वह जेतू हुंदे ने, इस करके लोगों ने उन्होंने सोले ही गाने हुंदे। हारी हुई धिर नूं बाद विच सारे दोष देणगे भी ये गलत सन, ये गलत सन, ये गलत सन। जीती हुई धिर दे गुण भी औगुण भी जिहड़े नूं गुण बन जांदे ने, ते हारी हुई धिर दे गुणा औगुणा की कोई विचार नहीं करता, उन्होंने ब्लेम ही किया जाता है, उन्होंने भंडिया ही जा सकता। तो इस तरह की स्थिति भी है। खैर आप इस विचार विच ना पईए। इत्थे लिखिया है गौतम सती सिला निस्तरी। सती का भाव है औरत, गौतम रिखी की पत्नी, जिसनों उसके पति ने श्राप दिता विभचार करके, मंदे अमल करके। ते लिखिया है जिस वेले उस जिस वेले भगवान के पैर उसके पत्थर होई औरत दे नाल, सिला होई औरत दे नाल छू गए तो उहदा उधार हो गया, वह भला हो गया, वह दोबारा अपने असल रूप में परत आए। इसका भाव है मंदा कर्म ही सब तो वड्डा श्राप है। श्रापित व्यक्ति पत्थर समान है, तो पत्थरों का भी भला, पत्थरों का भी उधार परमेश्वर की शरण ही कर सकती है। तो अगे बख्शिश करते हैं, किसी कंस मथन जिन किया जी दान काली को दिया। कंस दा और केसी दा ये दोवें कृष्ण जी नूं मारन लई उतावले सन। अखीर इन्हां दे हंकार इन्हां दे जुल्म नाल टकराउंदे होए कृष्ण जी ने इन्हां दा वध कीता, इन्हां दोवां दा खात्मा कीता। तो इन्हां दी होमै ते हंकार इन्हां दी मौत दी वजह बन गई, कारण बन गई।
ਜੀ ਦਾਨ ਕਾਲੀ ਕਉ ਦੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਨੱਥ ਕਿਆ ਵੱਡਾ ਭਇਆ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਤਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਾਲੀ ਨੱਥ ਕਿਆ ਵੱਡਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕਰਮ ਮਹਾਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਿਖਾਈ ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਲਗਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਸੀ ਕੰਸ ਮਥਨ ਜਿਨ ਦੀਆ ਕੀਆ, ਜੀ ਦਾਨ ਕਾਲੀ ਕੋ ਦੀਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਲੀ ਨਾਗ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਐਸੋ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਣਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਸ ਜਪਦ ਭੈ ਅਪਦਾ ਟਰੀ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਅਤੇ ਅਪਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਪ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪਾਪ ਦੰਭ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੜਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਮੰਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਵੇਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਔਰ ਇਸ ਖਲਜਗਣ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਸ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।